नमस्कार, मैं हूं शुभानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विवादित जमीन को लेकर गृह विभाग ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम पर बिहार में हो रही ठगी। महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान दी जाएगी ये विशेष सुविधा। लालू यादव के ऑपरेशन से पहले बेटी रोहिणी आचार्य का भावुक ट्वीट। आज होगा भारत बनाम बांग्लादेश पहला वनडे मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NCL ने 405 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने माइनिंग, सरदार और सर्वेयर के कुल मिलाकर 405 रिक्तियों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में मैट्रिकुलेशन या डिप्लोमा या डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट nclcil.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे श्रीति झा की। श्रीति झा का जन्म सन 1986 में बेगूसराय जिला में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद वो कोलकाता चली गई और अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से की। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वहां से वो अपने परिवार के साथ नेपाल चली गई, जहां वो कॉलेज में पढ़ती थी तो वह कॉलेज के प्रेसिडेंट कहलाती थी। वो पढ़ाई के साथ एक्टिंग भी करती थी, एक्टिंग में वे बेहद रुचि रखती थी। श्रीति झा जो दिखने में एक सीधी सादी लड़की दिखती हैं, वो वास्तव में अपने परिवार और दोस्तों के साथ घुलमिल कर रहती हैं। श्रीति झा ने अपने करियर की शुरुआत धूम मचाओ धूम नामक धारावाहिक से की। जब इसमें काम करने का मौका मिला तब श्रीति झा कॉलेज में पढ़ाई करती थी। इस सीरियल में उन्होंने मालिनी शर्मा का किरदार निभाया, जो कि एक सीधी सादी और शर्मीली लड़की होती है। श्रीति झा को 2017 में शुरू होने वाले सीरियल कुंडली भाग्य में प्रज्ञा के रोल से ब्रेक मिला। इस रोल में श्रीति ने खूब धूम मचाया। नियोजित शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच में निगरानी विभाग ने लाई तेजी। बिहार के नियोजित शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगरानी विभाग इसकी जांच में तेजी लाई है। वहीं दूसरे राज्य की डिग्री पर नौकरी प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों के कागजात की जाँच संबंधित संस्थान से कराई जा रही है। बता दें कि यह जाँच साल 2006 से 2008 तक अनुभव प्रमाण पत्र के वेटेज के लाभ लेकर नियुक्त हुए नियोजित शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र का संस्थान द्वारा जाँच कराई जाएगी। अगर संस्थान द्वारा जांच के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र गलत पाया गया तो संबंधित शिक्षक का नियोजन रद्द करते हुए सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बताते चले कि अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से ही नियोजित शिक्षकों को 4 नंबर का वेटेज मिला था देर से ही, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है। गुरुद्वारे के बाद हनुमान मंदिर में पूर्व राष्ट्रपति ने की पूजा अर्चना। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार की सुबह पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरुद्वारा में दरबार में माथा टेके और गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई। पूर्व राष्ट्रपति के वहां पहुंचने से पूर्व ही गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति पटना के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने पटना के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने आरती में भी भाग लिया। बता दें कि रामनाथ कोविंद जब बिहार के राज्यपाल थे तब वो अक्सर यहां आया करते थे। वहीं भारत के राष्ट्रपति रहते हुए भी हनुमान मंदिर वो आ चुके हैं। विवादित जमीन को लेकर गृह विभाग ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। अगर आपकी जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो यह खबर आपके लिए भी है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया है कि ग्राम स्तर पर विवादित जमीन को चिन्हित किया जाए। दरअसल गृह विभाग की समीक्षा बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि विभाग विवादित जमीन को ग्राम स्तर पर चिन्हित करे। इस दौरान बैठक में गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने जमीन विवाद के निराकरण के लिए समाधान पोर्टल का एक से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को देने का निर्देश दिया है। निर्देश में जमीन विवाद मामलों की निगरानी के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखने को भी कहा गया है। बता दें कि वर्तमान में अभी पंचायत विवादित जमीन को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें दिसंबर में रहेंगी प्रभावित।
सर्दी के दिनों में कोहरे का असर एक तरफ जहां आम जनजीवन को प्रभावित करता है, वहीं इसका अच्छा खासा असर रेलवे यातायात पर भी पड़ता है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होता है। रेलवे अभी तक दिसंबर से लेकर फरवरी तक के लिए 100 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन में बदलाव कर चुका है, जिसमें कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों के परिचालन में कमी करने का फैसला किया गया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में दिसंबर महीने में 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 तारीख को मुजफ्फरपुर बनारस एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। सीतामढ़ी से 3 दिसंबर से 2 मार्च तक चलने वाली 14005 सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे निरस्त रहेगी। वहीं 3 दिसंबर 2022 से 2 मार्च 2023 तक निरस्त रहेगी। विस्तृत जानकारी के लिए एक बार आप IRCTC की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। एक तरफ बेटे को सांस मिली तो दूसरी तरफ जवान पिता ने ली अंतिम सांस। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले CRPF जवान विकास झा के साथ जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। इस खबर ने ना जाने कितनों को रुला दिया। दरअसल CRPF जवान विकास झा की पत्नी का प्रसव होने वाला था और वो इसी वजह से कश्मीर से छुट्टी लेकर घर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी धड़कनें रुक गईं और उनकी जान चली गई। वहीं गाँव में विकास का शव पहुँचने के पहले शुक्रवार को उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। वहीं बीते दिन शनिवार को अहले सुबह सेना के जवान का शव पहुंचा। शव के साथ सेना के जवानों ने बच्चों को तिरंगा सौंप गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं सांसद और विधायक भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे, जबकि सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ के बीच शव यात्रा निकली। विकास झा सुगौली के फुलवरिया निवासी थे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम पर बिहार में हो रही ठगी। जितनी तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर ठगों की संख्या भी बढ़ी है। आए दिन साइबर ठग अलग अलग तरीकों से साइबर ठगी कर रहे हैं। इस बीच अब यह मामला सामने आया है कि साइबर ठग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम पर ठगी कर रहे हैं। दरअसल इस मामले में बिहार उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप पौंट्रिक ने ट्वीट कर लोगों को आगाह किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चयन के लिए लोगों को फोन और ईमेल पर द्वारा पैसे मांगने के मामले में उद्योग विभाग द्वारा 4 FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने कुछ गैंग की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी हो रही है। सावधान रहें, किसी को पैसा ना दें, मात्र ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें। करकटगढ़ जलप्रपात इस वजह से है बेहद खास। कैमूर में करकटगढ़ जलप्रपात लोगों को खूब पसंद आता है। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसा यह झरना बहुत ही खूबसूरत है। ऊंचाई से गिरता पानी, उसकी आवाज़ और पत्थरों से पानी का टकराना, फिर कोहरे का रूप लेना पर्यटकों को खूब लुभाता है। कैमूर में पर्यटकों के लिए करकटगढ़ जलप्रपात पर्यटन स्थल के रूप में है। यह जलप्रपात पहाड़ों के बीच से निकलता अत्यंत ही खूबसूरत है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसमें अन्य जलीय जीव जंतु के अलावे घड़ियाल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान दी जाएगी विशेष सुविधा। बिहार में महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में विशेष राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए खास व्यवस्था की है। बता दें कि अब महिला पुलिस कर्मियों की जहां जहां भी ड्यूटी लगाई जाएगी वहां वहां टॉयलेट वैन भी जाएगा। पुरुष पुलिस कर्मियों की तरह ही महिला पुलिस कर्मियों की भी सख्त ड्यूटी लगाई जाती है। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने आदि जगहों पर तैनात किया जाता है। ऐसे में उन्हें बाथरूम के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि प्रस्ताव IG के पास भेजा गया है। ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि महिलाओं के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने को लेकर विभाग ने विचार किया है। अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था को लेकर जानकारी लेने के लिए कहा गया है। जमीन के अंदर 35 मोबाइल मिलने से हड़कंप। बिहार के आरा मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 35 मोबाइल मिलने से हड़कंप मच गया है। स्पेशल ब्रांच की सूचना पर ऑपरेशन क्लीन के तहत जेल के अंदर छापेमारी की गई। जेल के अंदर मोबाइल बरामद होने के बाद जेल के वरीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। बंदियों के बीच मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के आरोप में कारा उपाधीक्षक सहित 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। बताते चले कि आरा मंडल कारा में पिछले 1 सप्ताह में 2 बार छापेमारी की गई है। इससे पहले भी 8 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। इसके बाद बीते दिन आरा जेल में की गई छापेमारी में जेल के वार्ड नंबर 6 के बाथरूम के पीछे 5 फीट नीचे गड्ढे में 35 मोबाइल छुपाकर रखे गए थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती पर महिलाओं के बीच बांटी गई साड़ी। बीते दिन 3 दिसंबर को स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और बिहार के पुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वदेशी कम्बल आश्रम की चरखा कात रही महिलाओं के बीच जाकर साड़ी वितरण कर उन्हें प्रोत्साहित किया। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजेंद्र घाट समाधि स्थल पहुंचे। वहीं बिहार दौरे पर आए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संयोग से उनकी जयंती पर आज पटना आना हुआ है और आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बढ़ते ठंड के बीच पटना एयरपोर्ट ने जारी किया विमानों का शेड्यूल। दिसंबर का महीना आ चुका है, न्यूनतम तापमान में गिरावट तेजी से दर्ज की जा रही है। पटना एयरपोर्ट की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पटना से चंडीगढ़ के लिए इंडिगो की एक नई फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने जयपुर पटना गुवाहाटी के बीच एक नई उड़ान शुरू की है, तो वहीं स्पाइसजेट ने पटना से अमृतसर और सूरत के लिए और इंडिगो ने पटना से भुवनेश्वर के लिए फिलहाल कुछ दिनों तक फ्लाइट बंद कर दी है। वहीं अब तक रांची के लिए चल रही 2 विमानों में से एक परिचालन किया जाएगा। कुल 37 जोड़ी विमान पटना से आवाजाही करेंगे। वहीं पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली एयरलाइंस से 15 जोड़ी विमानों को रोक दिया गया है। बिहार सरकार इन बीमारियों के लिए देती है लाखों रुपए। बिहार सरकार गंभीर रोगों से ग्रसित वैसे लोग जिनका वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत आर्थिक सहायता देती है। इसके तहत 14 असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए राशि मुहैया कराया जाता है, जिनमें हृदय रोग, कैंसर, कुल्हा रिप्लेसमेंट, घुटना रिप्लेसमेंट, एसिड अटैक से जख्मी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हेपेटाइटिस, ट्रांसजेंडर सर्जरी, नेत्र रोग सहित 14 तरह की बीमारियां शामिल हैं। इसमें राज्य के बाहर इलाज कराने पर भी सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 20,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए मरीजों के परिजनों को सक्षम पदाधिकारी की ओर से निर्गत आवास प्रमाण पत्र, DM, SDO या अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार के अस्पताल या CGHS से मान्यता प्राप्त अस्पताल के इलाज का पर्चा और मूल अनुमानित राशि के कागजात जमा करने होते हैं। नवादा के राज आर्यन ने बैडमिंटन में जीता चैंपियन का खिताब। बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के तहत मुंगेर के बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय मैच में नवादा के राज आर्यन ने परचम लहराया है। उन्होंने उम्दा प्रदर्शन करते हुए घंटों मुजफ्फरपुर के अमृत और पटना की सारा कौशल को 21-16 और 21-13 से हराकर मिक्स डबल्स चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम किया है। यही नहीं, राज आर्यन बीते माह गया DPS स्कूल इंडोर स्टेडियम में राज आर्यन और पूर्णिया के गर्व शारदा की जोड़ी से मिक्स डबल्स में अंडर 17 में पूरे बिहार में चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई कपकपी। बिहार में पछुआ हवा का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके कारण ठंड बढ़ने लगी है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण समेत राज्य के कई जिलों में तापमान में अचानक गिरावट आई है, जिसके चलते लोग कांपने लगे हैं। राज्य में कपकपी और बढ़ने की संभावना है। राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। बीते दिन राज्य के ज्यादातर हिस्सों में कोहरा छाया रहा। इस जिले में मरीन ड्राइव बनाने की उठी मांग। बिहार की राजधानी पटना में बने मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ के तर्ज पर अब लखीसराय जिले में भी क्यूल नदी के किनारे मरीन ड्राइव बनाए जाने की मांग उठने लगी है। दरअसल शहर में एकमात्र मुख्य सड़क रहने की वजह से जाम की समस्या से लोगों को प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए नदी के किनारे मरीन ड्राइव निर्माण के लिए लोगों की मांग उठने लगी है। मरीन ड्राइव के निर्माण हो जाने से शहर के व्यवसायी भी खुशहाल हो जाएंगे। इसके साथ शहर में लगने वाली जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। मरीन ड्राइव बनाए जाने को लेकर लोगों का कहना है कि मरीन ड्राइव का मांग लोगों द्वारा वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा पहल नहीं किए जाने के कारण मरीन ड्राइव का निर्माण नहीं हो रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ललन सिंह ने करवाया नामांकन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए शनिवार को राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जदयू चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े के समक्ष अपना नामांकन किया। करीब 1.5 साल के बाद जदयू में फिर से ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने की तैयारी तेज हो गई है। पिछले सप्ताह ही 27 नवम्बर को जदयू राज्य परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के क्रम में कहा था कि उनका यह प्रस्ताव है कि ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालते रहे हैं। मैं प्रस्ताव भी कर दूंगा।
नीतीश कुमार के प्रस्ताव से यह तय माना जा रहा है कि ललन सिंह निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष चुने जाएंगे और ललन सिंह फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बता दें कि निर्वाचन 7 दिसंबर को होना है। ललन सिंह को पिछले वर्ष RCP सिंह की जगह 31 जुलाई को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। लालू यादव के ऑपरेशन से पहले बेटी रोहिणी आचार्य का भावुक ट्वीट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 5 दिसंबर सोमवार को किडनी ट्रांसप्लांट की तिथि निर्धारित है। किडनी डोनर खुद उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य है। पिता के किडनी ट्रांसप्लांट से पहले रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पिता के लिए भावुक पोस्ट लिखा है कि उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने ईश्वर न देखा है मगर ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव के साथ अपनी प्यारी सी एक तस्वीर भी साझा की है। रवि किशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब सुनाई खरी खोटी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार का बीते दिन शनिवार को आखिरी दिन था। इस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के समर्थक नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में रवि किशन भी बिहार आए और पटना पहुंचने के दौरान ही मीडिया वालों के समक्ष नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। रवि किशन चिराग पासवान के साथ बीते दिन कुढ़नी पहुंचे। उससे पहले उन्होंने पटना में कहा कि कुढ़नी में BJP की जीत तय है। उन्होंने आगे कहा कि अब बिहार 20 साल पीछे चला गया है। इसके लिए जिम्मेदार केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उन्होंने जो गलती की है उसका अंदाजा उन्हें भी होगा। उन्होंने कहा कि NDA उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत निश्चित है। चिराग पासवान के समर्थन से उन्हें और भी ज्यादा मजबूती मिल गई है। आज होगा भारत बनाम बांग्लादेश पहला वनडे मुकाबला। न्यूजीलैंड दौरे के बाद टीम इंडिया और बांग्लादेश दौरे पर है। दोनों टीम के बीच रविवार यानी आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और KL राहुल समेत दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हुई। न्यूजीलैंड और भारत के बीच वनडे और टेस्ट सीरीज केवल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर उपलब्ध था, लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज TV पर भी देखने को मिलेगा। बताते चले कि 4 दिसंबर को पहला वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच अगर आपको TV पर देखना है तो आप Sony Sports Chain 3 HD हिंदी, Sony Sports Chain 4, Sony Sports Chain 5 और Sony Sports Chain 5 HD अंग्रेजी पर देख सकेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार का जन्म 1888 में हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक विद्याभूषण विभू का जन्म 1892 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक श्रीनिवास कृष्णन का जन्म 1898 में हुआ। भारत के 8वें राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रमन का जन्म 1910 में हुआ। हिंदी सिनेमा के अभिनेता मोतीलाल का जन्म 1910 में हुआ। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 1919 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता रानी का जन्म 1979 में हुआ। हिंदी में श्रेष्ठ हास्य लिखने वाले कलाकारों में अग्रणी लेखक अन्नपूर्णानंद का निधन 1962 में हुआ। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार का 1888 में जन्म हुआ। भारत और नेपाल के बीच 1959 में गंडक सिंचाई एवं विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे PM मोदी के मोरबी यात्रा पर हुए खर्च के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे PM मोदी की मोरबी यात्रा पर खर्च हुए 30 करोड़ रुपए के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक RTI का हवाला देते हुए एक ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि PM की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। PIB ने आगे लिखा है कि यह दावा फेक है, ऐसा कोई RTI जवाब नहीं दिया गया है। 7 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा अमूल के मक्खन की कमी। डेयरी उद्योग की दिग्गज कंपनी अमूल ने अपने मक्खन की किल्लत को दूर करने के लिए उत्पादन को बढ़ा दिया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढ़ी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक हफ्ते के भीतर पूरे देश में चीजें दोबारा सामान्य हो जाएंगी। सोढ़ी ने किल्लत के पीछे त्योहारी सीजन में भारी डिमांड को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में जानकारों का कहना है कि लंपी स्किन की बीमारी को भी इसके पीछे वजह बताया गया है। आपको बता दें कि भैंसों और बछड़ों में यह बड़ी तेजी से फैलने वाली वायरल बीमारी है। इसकी बड़ी वजह चारे की कमी भी है। व्हाट्सएप डिसअपीयरिंग मैसेज से जुड़े इस फीचर पर कर रही है काम। व्हाट्सएप यूजर्स को बेहतर सुविधा देने के लिए नए नए फीचर्स लाता रहता है। अब कंपनी ने कुछ एंड्रॉयड बीटा टेस्टर्स के लिए नया फीचर पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाट्सएप डिसअपीयरिंग मैसेजेस के लिए एक शॉर्टकट बटन की टेस्टिंग कर रहा है। व्हाट्सएप अपने डिसअपीयरिंग मैसेज सेक्शन को फिर से डिजाइन करने का काम कर रहा है। यह फीचर बीटा यूजर्स को एंड्रॉयड के 2.22.24.9 अपडेट में मिलेगा।
इससे नई और पुरानी दोनों चैट को गायब होने वाले थ्रेड के रूप में मार्क करना आसान हो जाएगा। हाल ही के अपडेट से डिसअपीयरिंग सेक्शन को और अधिक टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराया गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जयंती राज, बबीता यादव, कुणाल शर्मा, सुकई पासवान, मंगिता भारती, सुजीत, कुंदन कुमार, मोहम्मद जमील अख्तर, हितेश कुमार, के सिन्हा, अनवर करीम खान, भरत प्रसाद, विकास कुमार, सुनील कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार आज के मुकाबले में भारतीय टीम में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।